राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के हालात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक हुई। दिल्ली सरकार ने गृह मंत्री के साथ बैठक को सकारात्मक बताया। सूत्रों के अनुसार केंद्र के साथ सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन पर कोई चर्चा नहीं हुई। दिल्ली और केंद्र सरकार मिलकर काम करते रहेंगे, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच बातचीत बहुत प्रोडक्टिव रही, कई अहम फैसले लिए गए, हम मिलकर कोरोना से लड़ेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने फौरन 500 रेलवे कोच दिल्ली को देने का निर्णय लिया है। इन रेलवे कोच से न सिर्फ दिल्ली में 8000 बेड बढ़ेंगे, बल्कि ये कोच कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सभी सुविधाओं से लैस होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ गृह मंत्री अमित शाह की हुई मीटिंग में कई फैसले लिए गए। अमित शाह ने कहा कि कोरोना महामारी से भारत पूरी मजबूती से लड़ रहा है और इस संक्रमण से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के लिए सरकार दुखी भी है और उनके परिजनों के प्रति संवेदनशील भी है। सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए नई गाइडलाइंस जारी करने का निर्णय लिया है, जिससे दिवंगत व्यक्ति के अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा अवधि कम हो जाएगी। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मीटिंग में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र के सामने कई मांगे रखी। दिल्ली सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के लिए क्षमता बढ़ाई जाए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अस्पतालों में कोविड मरीजों का इलाज होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से कहा कि प्राइवेट अस्पतालों पर कैंपिंग रेट लागू किया जाए, प्राइवेट लैब्स में भी कोरोना टेस्ट किया जाए, जहां जांच की कीमत किफायती रखी जाए। कोरोना टेस्ट भी अन्य बीमारियों में होने वाले टेस्ट की तरह ही होना चाहिए और रिपोर्ट आसानी से मिलनी चाहिए। केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्राइवेट अस्पतालों की मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी बनाई जाए, साथ ही अगले सप्ताह तक कोरोना मरीजों के लिए 20,000 अतिरिक्त बेड का इंतजाम किया जाए। कुछ होटलों और बैंक्वेट हॉल को आइसोलेशन वार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।